नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। बांदा के कोतवाली देहात में दिल दहलाने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां तीन दरिंदों ने एक महिला के साथ नशे की हालत में बारी बारी से दुष्कर्म किया, फिर हैवानियत की सारे हदें पार कर दी। बेसुध अवस्था की हालत में महिला को छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद जनपदवासी दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 217 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बांदा जिले में दिल झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां तीन शराब के नशे में चूर दरिंदों ने एक विवाहित असहाय महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया। दरिंदों ने हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। महिला के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया और उसे अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। महिला ने आरोपियों के सामने लाख मिन्नतें मांगी, पर नशे में धुत सभी आरोपियों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म कर मरणासन हालत में छोड़कर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज हो रही है। ऐसा ही एक मामला बांदा जिले के कोतवाली देहात से सामने आया है, जहां पति के साथ ससुराल जा रही विवाहित को कुछ अज्ञात लोगों ने पति की गैर मौजूदगी में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की सभी हदें पार कर मानवता को शर्मसार कर दिया। महिला के साथ तीनों दरिंदों ने पहले तो दुष्कर्म किया, उसके बाद प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल डाल दी। दरिंदों के सर पर जब तक हैवानियत सवार रही, उन्होंने महिला को प्रताड़ित करने की सभी हदें पार कर दी। घटना के चंद मिनटों के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे पड़ी बेसुध महिला को डायल 112 की मदद से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई। दुष्कर्म पीड़ित महिला की स्थिति को देखकर स्थानीय लोगों के होश फाख्ता हो गए। उनके दिमाग में बस एक ही जिक्र चल रहा था कि आखिर वो हैवान कौन होंगे। अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र ने घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि महिला से दरिंदों की शिनाख्त कराई जा रही है। फिलहाल सभी आरोपी वारदात के बाद से फरार हैं। सूचना मिली कि एक महिला के साथ घटना हुई है। इस संबंध में जो है तत्काल मौके पर सारा पुलिस बल पहुंचा, उच्च अधिकारी भी मौके पहुंचे, फील्ड यूनिट को बुलाया गया और कई थानों की फोर्स भी थी। जांच में ये सामने आया कि महिला अपने एक पड़ोसी जो ई रिक्शा चलाता था और एक और उसका दूर का पड़ोसी, दो लोग मोटरसाइकिल साथ अपने ससुराल ओरन जा रही थी। रास्ते में इन लोगों ने दारू पिया। दारू पीने के बाद जो है, जिसमें महिला ने भी दारू पिया, दारू पीने के बाद जो है इन लोगों ने वहाँ पे हंगामा शुरू किया। पब्लिक पहुँच गई, जो दूसरा आदमी था वो मोटरसाइकिल लेके वापस आ गया। फिर मौके पे वहाँ पुलिस बल पहुँचा और इन लोगों को ले आया। जांच पड़ताल में प्रथम दृष्टया मामला छेड़खानी का पाया गया है। रेप जैसी घटना के साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। इसमें अभियोग पंजीकृत करके साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो भी साक्ष्य मिलेगा तदनुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दोनों इसमें अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। एक और जहां पति पत्नी शादी के दौरान पवित्र बंधन की कस्में लेते हैं, वहीं बांदा में हुई घटना के बाद प्रदेश की सभी विवाहिता इस घटना की निंदा कर रहे हैं। उनका एक ही सवाल है कि आखिर पति अपनी विवाहिता को दरिंदों के साथ अकेला छोड़ने की क्या जरूरत थी। महिला के साथ हुई दरिंदगी के बाद अभी तक उसका पति सामने नहीं आया है, जो सभी दुष्कर्म आरोपी को जानता है। आखिर एक पति कितना निर्दयी हो सकता है, जिसने अपनी विवाहिता को अकेले दुराचारियों के बीच अकेला छोड़ के गायब हो गया। देखना यह है कि पुलिस जांच के बाद अभी और कितने सनसनीखेज खुलासे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम टीवी।
सिलसिले आशिक ने मेरठ के मवाने कस्बे की नाबालिग युवती को बेरहमी से घायल कर दिया है। प्यार में नाकाम युवक ने गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। सख्त कार्रवाई के बाद भी पुलिस शातिर युवक की पहुंच से काफी दूर है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मेरठ में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सिरफिरे आशिक ने 11वीं की छात्रा को गोली मार दी। घटना में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। युवती को घटना के बाद पास के ही अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसका स्वास्थ्य नाजुक बताया जा रहा है। युवक ने प्यार में नाकाम होने पर वारदात को अंजाम दिया है, जिससे मेरठ एक बार फिर रक्त रंजित हो गया। जिले में इस वक्त सिर्फ निकिता गोलीकांड की ही चर्चा की जा रही है। मवाना कस्बे की निवासी निकिता 11वीं कक्षा की छात्रा थी। पढ़ने में कुशाग्र निकिता को अपनी साथ हुई घटना का उसने कभी सोचा नहीं होगा। बहरहाल निकिता को एक युवक आए दिन परेशान करने लगा। निकिता ने इसकी शिकायत परिजनों से की, पर युवक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। युवक पर आशिकी का जुनून बढ़ने लगा, जिससे निकिता की जान पर बनाई। सिरफिरे युवक ने निकिता के इनकार पर कॉलेज वापस जाते समय उसे गोली मार दी। आरोपी को निकिता की हर गतिविधियों पर नजर थी, जिसका फायदा उठाकर घर वापसी के समय निकिता की बस के अंदर गोली मार दी। मेरठ पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वहीं शातिर युवक अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। निकिता के परिजनों में हादसे के बाद कोहराम मच गया। बस एक ही चीख परिजनों से सुनाई दी कि क्या कसूर था उनकी निकिता का, आखिर इतना बेरहम क्यों हो गया युवक। चीख पुकार के बीच आसपास के लोगों में रोष का माहौल है और सबकी एक ही मांग है कि आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर रहेगा। एक और जहां सभी जगह मकर संक्रांति त्योहार की खुशियों का माहौल है, तो वहीं मेरठ के मवाना में हुई घटना प्रदेश के अन्य जिलों में चर्चा का विषय बनी हुई है। हर बेटी और उसके परिजन आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं शातिर आरोपी लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर मौके से फरार है। मेरठ पुलिस के उच्च अधिकारियों ने टीम गठित कर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखे हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है। दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक। जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू।
खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच, साहस और सरोकार के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर।